प्रिय व्यूअर्स भिडियोते देखते पाच्छेन एकटी गाभीके एआई करते जाच्छी। तो ये गाभीटी एर आगे दुटी बाच्चा दिए छे तखन कोनो असुविधा छिलो ना, नर्मली गाभीन हो गेछे एआई करे दितेई। किन्तु तारपर जखनी गरुटी हिटे आसे तखनी चाषी भाई एआई कराच्छेन किन्तु गाभीटी कन्सिव करछे ना बा प्रेगनेंट होच्छे ना। तो चाषी भाई जेटा बोलें जे गाभीटी दुटी बाच्चा देयार पर जखनी हिटे आसे तखनी नॉर्मल हिट अर्थात सिक्रेशन परिष्कार लालसाने परिष्कार आसे एवं गाभीटी टाइम बाय टाइम हिटे आसे अर्थात गाभी नॉर्मली 18 थेके 21 दिन माथाय हिटे आसे सेई मते आसे। ता सत्त्वेओ गाभीटी एआई करार परेओ हिटे कन्सिव करछे ना। तो बंधुरा एटा एक्चुअलि गाभीटिर डिलेड ओवुलेशन होच्छे जेटा आमी प्रैक्टिकल अभिज्ञता थेके बोलछि। ये डिलेड ओवुलेशन होले गाभीर कतगुलो नियम आछे सेई नियम मतो काज करले आशा करी गाभीटी कन्सिव करे जाबे। तो गाभीटी जखन हिटे आसबे हिटे आसार पर थेके 18 घंटार माथाय गायनारिज इंजेक्शन अथवा रिसेप्टाल इंजेक्शन 5 ml करे दिते हबे एवं ये इंजेक्शन करार 4 থেকে 6 घंटार माथाय एआई करले आशा करी कन्सिव करे जाबे। गायनारिजेर काज हलो ओभारिर मध्ये जे ग्राफियन फलिकुल आछे जार मध्ये ओभम थाके सेखाने ओवुलेशन घटे ओटाके रैपचार्ट करे एम्पुलाते ओभमके निये आसा एवं तारपर एआई करे दिलेई 4-6 घंटा परे आशा करी कन्सिव करे जाबे। एटा आमार सम्पूर्ण प्रैक्टिकल अभिज्ञता थेके बोलछि। तो बंधुरा भिडियोटी केमन लागलो अवश्यई कमेंटे जानाबेन, भालो लागले लाइक शेयर करबेन एवं आमार चैनलटाके सबस्क्राइब करे रखते भूलबेन ना। भालो थाकबेन, नमस्कार।